तो बच्चे ना देखो तैयार हो गए हैं, अब ये तो शिनचान को घुमाने लेके जाएंगे। चलो शिनचान, चलो शिनचान को घुमा रहे हैं, तीनों के तीनों शिनचान को घुमा रहे हैं। ओए शिनचान को घुमाने, देखो शिनचान की शिनचान का पट्टा पकड़ के उसको घुमाने, चल चल चल। हाँ इनमें शिनचान बड़ा है। और अच्छा वो सामने देख रहे हो, वो देखो वो सामने वालों का डॉग है, और उसको देखो वो ऐसे ही देखता रहता है। पप्पी ने कुछ खाना खाया हुआ है और तेल देख रहे हो इसके, ठीक है। तो ये देखो हुक्स देख, तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये देख रहे हो ये सो रही है हमारी विस्की, विस्की विस्की को हमने अलग इसलिए रखा है क्योंकि उन बच्चों को। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है क्योंकि आपको पता है आज जो मैं है, जैसे तुमने देखा होगा, मैं लैब्राडोर के पपीज़ घर पर लेकर आने वाला हूँ। और उन लैब्राडोर के पपीज़ को जब मैं घर पर लेकर आऊँगा तो बहुत ज़्यादा मस्ती हो जाएगी, तहलका मच जाएगा। जैसे कि आपको पता है ओरियो शिनचान तो शरारती है ही। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फिलहाल मैं इनको लेकर आया हूँ बच्चों को। ये देखो अब ये ना पड़े हो गए दो, चलो जाओ। तो ऐसे ही एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, आई होप आपको याद हो। उस टाइम मैं 5-6 बच्चे लेके आया था, वो भी सेम ही जगह से लेकर आया था, मेरा फ्रेंड है जाचक सिंह। तो ये देखो ये कैसे बैठे हैं आराम से। हेलो, सो मैं आपको बता दूं ये है लैब्राडोर, जैसे कि स्टार्टिंग में भी बताया था और आप गेस कर ही सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के करीब है और एक्टिविटी अभी आपको इनकी दिख ही जाएगी जब ये ओरियो के साथ शरारते करेंगे। ओए कैसे हो बच्चों, अभी मम्मी को भी थोड़ा सा सरप्राइज करते हैं as always। और ए मम्मा, अब मम्मा समझ चुके हैं कि डॉग्स आए। हाँ ये ओरियो के फ्रेंड है, इतने फ्रेंड तो तेरे नहीं है जितने ओरियो के हैं। फिर यार ओरियो फेमस भी तो है ना मुझसे ज्यादा। ओरियो ओपी इन द चैट, ठीक है कमेंट में ओरियो ओपी हो जाना चाहिए। तो कह दूं इतने तो ओरियो के फ्रेंड हो गए हैं। तो ये लैब्राडोर है, पहले भी मैं लाया था, उस टाइम बच्चे जो थे वो बहुत छोटे थे, ये इस टाइम 2 महीने के करीब है। तो अब इनको छोड़ते हैं करके। तो ये फीमेल है, ये मेल है, और ये बंद करते हैं कभी नीचे ना चले। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी फीमेल है। तो 2 फीमेल और 1 मेल है इसके अंदर, वो देख रहे हो। हाँ देखो इनकी। हाय बच्चों, हेलो, देख रहे हो, देख रहे हो, आओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो देखो 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 शरारते देख रहे हो इनकी। अभी ना ओरियो को छोड़ते हैं। तो मैंने जो है हमारी फ्रेंच बुल डॉग का नाम रख दिया, उसका नाम मैंने रखा है विस्की। उसको मैं इन बच्चों के साथ नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि क्या है, विस्की भी बहुत छोटी है और ये बच्चे भी बहुत छोटे हैं, और अगर 1% इनका कोई प्रॉब्लम विस्की में चली गई, यू नो क्योंकि वायरस वगैरह, तो हम विस्की को अलग ही केज में रखेंगे। बट हाँ एक बार दिखाऊंगा ज़रूर विस्की को इन बच्चों को। तो अभी ओरियो को छोड़ते हैं बोलना। तो बाय द वे मेरी इंस्टाग्राम पे मैं अभी इनकी स्टोरी डाल रहा हूँ, अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, @ पुलकित रैम्प मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो ओए ओए ओए, ये देखना ये देखना ये देखना ये देखना, ये देख ये देख, ओहे ओरियो आ गया, ओरियो के वो आ गए तेरा दोस्त। भाई मेरी जीन्स के पीछे पड़ी हुई है, अबे छोड़ो ओरियो को, देखो ओरियो को। हाँ हाँ, देखो आप शेक के पीछे पड़ गए, शेक के पीछे पड़ गए। ये देखो ये देखो देखो देखो, ओह उसको क्या हुआ। ये कितना सही लग रहा है ना लैब्राडोर जैसे घूमते हुए। लैब्राडोर मुझे बहुत पसंद है बाय द वे। ये देखो सारे तो एक ही कलर है ना। हाँ ये सारे एक ही कलर के हैं, एक ही मतलब भाई बहन है ना सभी आपस में। वो देखो ओए देखो मम्मी की, वो देखो। अबे छोड़ दे भाई, क्या कर रहा है ये, क्या चाहिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, खाना खा कर आए हैं। तो अभी शिनचान को भी साथ में छोड़ते हैं मम्मा, ओरियो को तो हमने सेम फीड देते हैं। हाँ इनको भी हम फीड ही देते हैं। ये देखो ओए होए, फीड के अलावा तो अभी कुछ नहीं खाते, थोड़े टाइम के बाद इनको हम पनीर दे सकते हैं, यू नो इनको हम पनीर दे देते हैं कभी कभी, कर्ड दे देते हैं अगर धूप है, बट आजकल ठंड का मौसम है नॉर्थ में। ये नहीं होता मम्मा, ये तो रोता रहता है ना हर टाइम, जो हर टाइम बच्चा रोता रहता है।
कि जो ये खाते हैं वही इनको खिलाऊं। नहीं, ये लैब्राडोर है मम्मी, वो पग है तो ब्रीड में ही पहले बहुत ज्यादा फर्क है। इसको देखो मेरे जूतों पे लगी हुई है। ये शरारते ज्यादा करता है, शरारते ज्यादा करता है और इसीलिए ये कमजोर कमजोर ये भागता रहता है पूरे पूरे दिन। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं ये? देखो मेरे पीछे पड़ गई है, देखो दोनों के दो। अबे भाई ये मुझे कह, हाँ इनमें शिनचैन बड़ा है। और अच्छा वो सामने देख रहे हो, वो देखो वो सामने वालों का डॉग है और उसको देखो वो ऐसे ही देखता रहता है। वो ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ ये जब ये अकेले होता है तो इनके साथ बातें करते हैं, तो ये वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसको लाता नहीं इस करके घर में। तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो खूंखार से है। कहाँ चले गए, किधर किधर घुस गए? आ जाओ, वो देखो वो देखो देखो भौंकल रहा है वो भी उन्हें। हाँ अब शिनचैन को खुला छोड़ते हैं। बस बाबा बस, शरारते ना तुम्हारी जाएंगी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ एक नया यू नो इक्विपमेंट ऐड करने का। सो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में डिस्कस करूँगा कि मैं कौन सा नया इक्विपमेंट ऐड कर रहा हूँ अपनी यू नो कैमरा लिस्ट के अंदर। सो गेस करो कि कौन सा कैमरा लूँगा मैं इन फ्यूचर। थोड़ा सा सोनी का है ये, आपको मैं हिंट दे देता हूँ। और अभी आ चुका है शिनचैन बड़ा भाई हमारा, ये देखो बुजुर्ग। ये देख रहे हो ये सो रही है हमारी विस्की। विस्की विस्की को हमने अलग इसलिए रखा है क्योंकि उन बच्चों में अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम होती है या विस्की में कोई प्रॉब्लम होती है तो उन बच्चों में ना जाए और उन बच्चों की प्रॉब्लम क्योंकि इसमें ना जाए। अभी बिकॉज अभी ये ना रिसेंटली ही वैक्सीनड है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसकी वैक्सीनेशन को। आई डोंट नो वाई बट सारे जितने भी मेरे मेल डॉग्स हैं ना, सारों की हरकत यही है, खुलना है इनको, थोड़ी देर खोला छोड़ा और इन्हों सारे घर में कर देना, सारे घर में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छे लैब्राडोर का स्टैंडर्ड बच्चे का आप कैसे देख सकते हैं। जैसे कि ये पपीज़ हैं 2 महीने के करीब, तो इनका आप कैसे स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि बच्चा अच्छा है या नहीं है। सो ये जो है लैब्राडोर का मेल पपी है, तो आप जैसे कि पहले तो देख सकते हो इसकी टेल, देखो यार इसकी टेल जो है ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। इसके जो ये एंकल है, इसके जो गोडे तक है, सिर्फ वहीं तक इसकी टेल आनी चाहिए, देख रहे हो आप। और उसके बाद है इसके जो है लिप्स मैटर करते हैं, आप ये लिप्स देख सकते हो, इसके ईयर्स मैटर करते हैं, इसका हेड फेस का साइज मैटर करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लैब्राडोर में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, हेड फेस देखो आप। और उसके बाद जो है इनकी टीथ आपको ज़रूर देखने हैं कि टीथ प्रॉपर है, सारे टीथ है कि नहीं है, टीथ जो है टीथ की जो कंडीशनिंग है वो ठीक है कि नहीं है। एंड ये देखो बस नहीं देख रहे हो, तो ये इनकी शरारतें होती है। और लैब्राडोर बहुत ज़्यादा लविंग ब्रीड है, वैसे तो सारे डॉग्स ही बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, आपको उनको बच्चे की तरह रखना पड़ता है, पर लैब्राडोर को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और बहुत प्यार से वो रहते हैं, तो आपको उनको हमेशा प्यार से रखना होता है। तो आप सो दीज पपीज आर फुली एक्टिव। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि पपी जो है आप कैसी एज पे बाय करें, जब उसको आपको लगे कि मदर फीड इनफ हो चुकी है और अब जो है उसको यू नो पेडिग्री या कोई भी रॉयल कैनन कोई भी अच्छे डॉग फूड पे वो स्टार्टेड है और अच्छे से वो उसको आप फूड दे सके। और हाँ लैब्राडोर जब 6-7 महीने का हो जाता है तो उसके बाद जो है आप उनको घर का फूड यानी चिकन मीट राइस जो आप उसको दे सकते हैं वो आप उसको दें। ये तो बच्चे ना देखो तैयार हो गए हैं, अब ये तो शिनचैन को घुमाने लेके जाएंगे। चलो शिनचैन चलो, शिनचैन को घुमा रहे हैं तीनों के तीनों, शिनचैन को घुमा रहे हैं, ओए शिनचैन को घुमाने, देखो शिनचैन की शिनचैन का पट्टा पकड़ के उसको घुमाने, चल 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 भाई, वो देख सच में लेके जा रहे हैं उसको, तीनों को एक ही चीज को घुमा रहे, वो देख बस भाई वो देख। हाँ शिनचैन तो शरीफ बच्चा है हमारा, शरारती कोई नहीं है, एक बच्चा घर में शरीफ है एक शरारती है। अरे बाबा बस बस बेटा बस, वो देखो उसके पीछे ही पड़ गई है, बस भाई बस बस, वो आगे से कुछ कहता नहीं ना इस करके, बस भाई उसके उसके पीछे पड़ गए हैं, बस करो बेटा बस करो, वो काटने लगा ना तुम्हें, वो तुम्हें काटने लगा ना, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, समझ आई, समझ रहे हो? ओह जंप देखना अभिषेक, जंप देख रहे हैं इसकी, ये देख ये तो इसी के पट्टे के पीछे, चल चलो एक्टिविटी एक्टिविटीज देखो इनकी, शरारती के शरारती बहुत ज़्यादा शरारती, बस भाई बस करो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से करवा दो। इतना शरारते, तो अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि शो क्वालिटी, अगर हमें पप्पी देखना है कि शो में अगर इन फ्यूचर पप्पी को लेके जाना है तो हमें क्या क्या टर्म्स वो देखनी पड़ेंगी। तो अगर हमें शो क्वालिटी पप्पी देखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो यार वो ऑब्वियसली वो KCI रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उसके बाद जो है जैसे अभी आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था
ऐसे पपी का हमें स्टैक लगाना होता है, और पपी की जो है बेसिकली बर्थ लाइन, मदर फादर, ये सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है। एंड सी कितने कामनेस इसके साथ जो है पपी खड़ा, और इसके आप टॉप लाइन देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ इस अभी तो पपी ने कुछ खाना खाया हुआ है, और तेल देख रहे हो इसके, ठीक है। तो ये देखो हुक्स देख सकते हो, तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक अच्छी क्वालिटी के लैब्राडोर, ये कोई भी अच्छी क्वालिटी का डॉग है अगर आप ले रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी का ही डॉग लें, अच्छी क्वालिटी का ही पपी लें। सो विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, और अगर आपको ऐसा व्लॉग और चाहिए सो मेक श्योर लाइक जरूर कर दीजिए। मुझे लाइक से पता लग जाता है कि आपको इस टाइप के व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं, क्यूट क्यूट पपीज के। तो मेरा पपीज दिखाने का मोटिव यही रहता है कि आपको पपीज का स्टैंडर्ड पता लगता रहे कि किस क्वालिटी का पपी अच्छा होता है, यू नो, और क्वालिटी दिखाते रहे हम, ठीक है, साथ साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और जल्दी ही बहुत बड़े बड़े व्लॉग्स आने वाले हैं, सो मिस मत कीजिएगा उन्हें, है ना। ख्वाबों की दुनिया में रखा कदम मैंने, आंखों में आंसू भरे, या फिर सपना ये ऐसा जो